हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट टू दी बार मैग्नेट कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट दी क्वायल कि नंबर ऑफ क्वायल अगर चेंज होंगे या क्वायल का एरिया चेंज होगा तो ईएमएफ की वैल्यू पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ये ऑब्जर्व किया, ये सीखा। देन आफ्टर की ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है और उसमें जो इंडिपेंडेंट कॉयल है उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। उन्हीं सब प्रिंसिपल को यूज करके अभी इस सिमुलेशन में जो फैट सिमुलेशन है हम लोग यूज करेंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है। ये एक टर्बाइन आप समझ सकते हैं इसको, और यहाँ एक ये मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट है वो इसके साथ में एसोसिएट है। टर्बाइन जैसे घूमता है उसी तरीके से जो है ये जो सामने इसके कॉयल रखा हुआ है इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज होगा, राइट। जिससे क्या होगा कि इसके दो एंड जो है यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अब टर्बाइन ने जो है घूमना स्टार्ट किया है, तो इसके साथ में जो मैग्नेट ये रखा हुआ है ये भी घूम रहा है। और यहाँ आप कंपास के थ्रू देख सकते हैं कि कंपास के भी रोटेशन उसी तरीके से हैं। ये वाइट कलर जो है वो साउथ को इंडिकेट करता है, यहाँ ये वाइट कलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ये अब वाइट था वो रेड था, क्योंकि अपोजिट जो पोल है उसके बीच अट्रैक्शन हो, तो ये तो उस डायरेक्शन को शो करता है, राइट। तो चलो यहाँ थोड़ा फील्ड हम लोग देख लें फील्ड के टर्म्स में। तो अभी आप देख रहे हैं कि जहां जहां ये पोल हैं वहीं वहीं पर जो है ये ज्यादा ब्राइट है, जो फील्ड है वो इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। और ये फील्ड जो है इस कॉयल के साथ में एसोसिएट है और टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ईएमएफ जनरेट होगा। तो अब इसी की स्पीड जो है यहाँ पर 18 RPM लिखा है, राइट, वो पर मिनट है इसके जो रोटेशन है राउंड जो इसके हैं। अब ये पानी यहाँ से थोड़ा और बढ़ा देते हैं और ये स्पीड RPM और इंक्रीज करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर बल्ब और उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में ग्लो करता है, राइट। तो यहाँ ये फुल स्पीड से आप देख रहे हैं कि अभी 100 RPM हो चुका है। तो यहाँ मैक्सिमम आउटपुट बल्ब की आप देख रहे हैं। तो ऐसे अब और क्या फैक्टर हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईएमएफ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ इस ये जो है ये मैग्नेट फील्ड से कितना दूर या कितना पास है। तो अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। तो ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है और ये गॉस में है, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई जो ये जो मैग्नेट यहाँ आपने यूज की है परमानेंट मैग्नेट, इसकी इंटेंसिटी अगर मैं कम कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ में इसके रोटेशन में यहाँ फिक्स करता हूँ ये 40 के आसपास में, और ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम करते हैं, तो देख पाएंगे कि इधर जो इंटेंसिटी है उस पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम कर दी, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ कम कर दी है। तो आप फील्ड को देख पा रहे होंगे कि बहुत कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फील्ड है वो आपको दिखाई पड़ने लगा है ये, राइट। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको ये लाइट ज़्यादा दिखाई पड़ रही होगी और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अभी और इंक्रीज कर दें ये 50 अभी, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी अभी बल्ब की जो है वो बढ़ने लगी है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना स्ट्रेंथ वाइज प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो आप टर्बाइन यहाँ घूम रही है इसकी स्पीड कितनी है। अब अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो आप देखना अभी ये 47, 60, तो लाइट ये बल्ब जो है अभी और ज़्यादा ग्लो करता है। और मैं अगर इसको 100 कर दूंगा RPM को, तो बल्ब की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो फैक्टर ये हुआ, राइट। अब दूसरा दूसरा भी देखते हैं कि भाई जो लूप है अभी यहाँ पे वायर 2 है,
तो अगर ये कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या बल्ब की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी? जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है उसके रेस्पेक्ट में क्या ईएमएफ है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उसको देखते हैं। यस, तो यहाँ जैसे ही अभी आपने ये लूप और इंक्रीज किया तो बल्ब की इंटेंसिटी और ज़्यादा हो गई है, राइट। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 100, तो ये पहले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो भी मैटर करते हैं। अब अगर नंबर ऑफ लूप्स को हम लोग कम करें तो फिर क्या होगा? इसको मैं कम करता हूँ, जैसे 1 है, तो 1 के केस में आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे ये इंटेंसिटी बल्ब की कम हो चुकी है। तो नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं कॉयल के वो मैटर करते हैं, राइट, इस टाइप से। दूसरा पॉइंट, ये जो लूप का है इसका ये बीच में जो स्पेस है, लूप एरिया जिसको बोलते हैं, क्या इसे कम कर या ज़्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएट है उस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? अभी अगर ये मैक्सिमम कर दिया जाए तो क्या लाइट की इंटेंसिटी एज कंपेयर टू अर्लियर वन कम या ज़्यादा हुआ है, तो कोई इफेक्ट पड़ता है? ये जो इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं इसका एरिया मिनी थोड़ा कम कर चुका हूँ, तो लाइट जो है आपको यहाँ तक दिखाई पड़ रही है। अगर मैं लूप का एरिया इंक्रीज करता हूँ तो ये थोड़ा सा अफेक्ट होगा, लेकिन वो अफेक्ट माइनर अफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनिमम एरिया हम लोगों को चाहिए, और उस लूप का एरिया, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा वो एक्चुअली अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो वो इक्वल रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये लूप एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। और क्या पॉइंट हो सकता है इसके अलावा? तो ऐसा सच कोई अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, राइट। तो ये सब आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये टर्बाइन जब चलती है तो करंट कैसे एक्चुअली कैसे वायर के अंदर आप देखते हैं, राइट, या फिर किस तरीके से ये घर तक पहुंचता है। तो जनरेटर का सिंपल ये रोल है, जनरेटर जो है वो हाइड्रो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस वे में जनरेट करते हैं, राइट। टरबाइन घूमती है और टरबाइन से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा जो कि किसी कॉयल के साथ में एसोसिएट है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इसको आप अपने आप से भी देख सकते हैं जो फैट सिमुलेशंस हैं उनके थ्रू। तो ये सब पार्ट हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ में, राइट। तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो फिजिक्स के, वो इन सिमुलेशंस के थ्रू बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वे में कि अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हुई है, यहाँ इंटेंसिटी भी कम हुई है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आप इसको इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करके आप एक इंजॉय कर सकते हैं, और साथ साथ में ही आपको ये बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बल्ब की जगह यहाँ कोई वोल्ट मीटर वगैरह यूज करूँगा तो उस वोल्टेज के ये डिफ्लेक्शन आप इस पॉइंट से देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो उसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। वो पोलरिटी चेंज होगी तो क्या होगा कि जो करंट का फ्लो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो एक बार जब नॉर्थ है एक बार जब साउथ है, तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस का डिफ्लेक्शन आप यहाँ देख पाएंगे, राइट। और इस यहाँ ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये एक्चुअली दो पॉइंट हैं इस कॉइल के, तो एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, वो प्लस है या माइनस है इस पॉइंट पे, तो वो कैसे चेंज हो रहा है? तो वो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो एक बार आप देख रहे हैं ना, अप साइड में एक इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपर साइड में, फिर दोबारा नीचे की साइड में आ रहे हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ इन वीडियोस को आप, मैं पहले बोल चुका हूँ कि फैट सिमुलेशन से उनके थ्रू देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में भी आपने ऑब्जर्व किया था कि अगर डीसी बैटरी लगी हुई है तो यहाँ क्या है, अभी कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे
तो इस कॉइल के साथ में जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। तो इस वे में आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ आप इन नंबर ऑफ कॉइल के थ्रू और जैसे अगर बढ़ा देंगे तो, या फिर जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देंगे तो ये फिर आपके यहाँ पे इंटेंसिटीज की बढ़ जाएगी या घट जाएगी, राइट। तो ये सब फैक्टर हैं जो डिपेंड करते थे। तो आई होप कि आपको इन सब बेसिक आइडियो का विजुअलाइजेशन मिला होगा और ये वीडियोज और ये एफर्ट्स जो हैं उनके आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।